हेलो एवरीवन और जैमिंग विद जुनैद शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इमाम। हम बचपन में जब हमारे बचपन को हम याद करते हैं तो हमारे बुजुर्ग और हमारे जो आसपास पड़ोस में जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो उनके चेहरे बड़े देखने लायक हुआ करते थे। रेयरली चश्मा लगाते थे, दवाइयाँ शायद कभी उनके हाथ में दिखती थी, बड़े चुस्तीले फुर्तीले हुआ करते थे, अनेक मजदूरी करते थे। और उनके भी दौर की जब हम गाने सुनते थे तो बड़े हौसलेमंद चीज़ें हमें देखने मिलती थी और बड़ी उम्र जिया करते थे, बड़ी बड़ी उम्र हुआ करती थी उनकी, बाल अच्छे हुआ करते थे, चेहरे अच्छे हुआ करते थे, चेहरे पे कभी कोई मायूसी नाउम्मीदी नहीं होती थी। लेकिन आज अगर हम शहरों की लाइफ देखें, आसपास की हमारी लाइफ देखें, हमारे नौजवानों को जब देखते हैं शहरों में देखते हैं तो कम उम्र में चश्मे हैं, बाल चले गए हैं, डिप्रेसिव है, टेंशन में है, एसिडिटीज़ के इश्यूज हैं और पूरा डिप्रेसिव माहौल हमको माहौल में दिखाई देने लगा है। और ये चीज़ आज इतनी कॉमन हो गई है कि ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जितना हमारा किराने का बिल नहीं होता उससे ज़्यादा हमारा मेडिकल का बिल होता है। तो ये बड़ा टेंशन वाली बात है ये, और हमें सोचना है। इसीलिए आज मैंने इस पर एपिसोड बनाया है और उस पर मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। तो चलिए पहले देखते हैं उस सेगमेंट को जिसमें मैंने आज के टेंशन और आज की प्रॉब्लम्स पे बात की है। चलिए देखते हैं। दिलों में खौफ था न दहशतों का पहरा था, मेरे ख्याल में ये दौर ही सुनहरा था। सच ही कहा उस शायर ने, पहले के दौर की अगर बात करें तो उस वक्त लोगों की उम्रें तो लंबी होती ही थी, साथ में खूबसूरत भी हुआ करती थी। हौसले और सुकून की चमक चेहरे से ही झलकने लगती थी, मगर ख्वाहिश और ज़रूरतों की ज़िद कुछ यूं बड़ी कि घर तो छोटा ही छोटा, कुदरत भी छूट गई। और जब शहर पहुँचे तो शहर की रफ्तार कुछ इस कदर तेज थी कि ज़िंदगी कौन से गलियारे में गुम हो गई पता ही नहीं चला। और जब खबर मिली भी तो जिस्म खंडर हो चुका था और ज़िंदगी बगावत करके फिर से गांव की तरफ जा चुकी थी। कुछ ऐसा ही हाल हमारी शहरी जिंदगी का भी हो चुका है, कुछ ऐसा ही हाल हमारी शहरी जिंदगी का भी हो चुका है। देखा आपने सेकंड किस तरह से, मतलब देख सकते हैं कि माहौल कैसा हो गया है। लेकिन बोलते ना, जहाँ दर्द है वहाँ दवा भी है और जहाँ दवा है वहाँ उम्मीद भी है। तो उम्मीद पे तो पूरी दुनिया ही कायम है। मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि सुविधा तो खैर हमारे देश में भी है, लेकिन जो भारतीय जो इस मुल्क से जाके दूसरे मुल्क में गए उन्होंने वहाँ पे भी बड़ा नाम किया और मास्टरी हासिल की है, बहुत गहरा रिसर्च किया है, बहुत सारा काम कर रहे हैं वहाँ पे और काफ़ी लोग उनसे क्योर होते जा रहे हैं। वैसे ही मैंने जब ये सर्च करना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ के जो भारतीय डॉक्टर है जो फॉरेन में है अच्छा कर रहे हैं और रहमदिल भी है, काफ़ी मदद भी करते हैं, लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, तो मुझे ओमान से एक डॉक्टर साहब का रेफरेंस पता चला, कुछ मैंने रिसर्च किया पता चला। और आयुर्वेदा में वो एम डी है, मास्टर्स है, 16 साल से वो इस फील्ड में है और काफ़ी बीमारियों पर उन्होंने काम किया है, बहुत अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को डील करते हैं। और उनका नाम है डॉक्टर अशोक श्याम राठौर। तो चलिए देखते हैं पहले इनके सफ़र को और फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अशोक श्याम राठौर आयुर्वेदा के मैदान में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। 16 साल का इनका गहरा तजुर्बा है और मौजूदा वक्त में लामा पॉली क्लिनिक मस्कत ओमान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
जो किसी भी भारतीय को ये सुनकर गर्व होगा। डॉक्टर राठौड़ का क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट और एक्यूट डिजीज मैनेजमेंट में बहुत रिच एक्सपीरियंस है, साथ में हर्बल मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपी, योगा थेरेपी, डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी बहुत मजबूत एक्सपीरियंस है। इन सब के अलावा डॉक्टर राठौड़ सामाजिक खिदमत, लोगों को मदद करने में, लोगों की हेल्प करने में और साथ ही लोगों को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन देने में दिल खोलकर मदद करते हैं। तो देखा आपने डॉक्टर राठौड़ के कंट्रीब्यूशन को और उनके काम को, तो उनका काम देख के मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि मैं इन डॉक्टर साहब से बात की जाए, इनको सुना जाए और जाना जाए कि कितना काम हो रहा है आयुर्वेदा में, किस तरह से काम हो रहा है और क्या उनकी एक्टिविटी है और किस तरह से वो हम भारतीयों की वहाँ से हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए एक लाइव सेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सारे डिटेल को। तो चलिए अब अगला सेगमेंट है हमारा लाइव सेशन। हेलो एवरीवन, और टेलीजेनिक चैनल प्रेजेंस जैमिन विद जुनेश शो में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट जुनेद इमाम। जिस तरह अभी मैंने जर्नी बताई है पिछले सेगमेंट में, तो आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक श्याम राठौड़ साहब है ओमान से और आयुर्वेदा में इनकी मास्टरी है और काफ़ी गहरा इनका तजुर्बा है हेल्थ रिलेटेड और सारी चीज़ों में, और इस कोरोना टाइम में भी डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़ चढ़ के ना सिर्फ बल्कि ट्रीटमेंट किया है बल्कि काफ़ी मोटिवेट किया है पेशेंट्स को और लोगों को। काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये सोशल मीडिया में भी, तो काफ़ी क्वेश्चन आंसर उनसे हो सकते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जुनेद जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, और क्योंकि हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑडिटी होते हैं, क्योंकि उनकी जो शंका है, उनकी जो सोच होती है, उस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता था नॉर्मली उसको बुज़ुर्ग लोगों का ट्रीटमेंट कहा जाता था, बुज़ुर्ग लोग इसको बिलीव करते थे या बुज़ुर्गों का वो ट्रीटमेंट था, बहुत ही लास्ट में इसको प्रीफ्रेंस दिया जाता था। लेकिन यही बुज़ुर्ग आज के टाइम में बहुत ही यंगस्टर नौजवान बन के उभरा है और कोरोना टाइम में काफ़ी होप बढ़ी है आयुर्वेदा में, काफ़ी लोग इसकी तरफ डाइवर्ट हुए। क्या कहना चाहेंगे सर इस क्वेश्चन से आप? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। अभी सब तो ये मान ही चुके हैं कि कोरोना ने साबित कर दिया है कि कोई भी साइंस अभी तक कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न साइंस में अभी तक ट्रीटमेंट की सुविधा हुई नहीं है जो पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। तो एवरीवन इज लुकिंग बैक टुवर्ड्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और द लोकल हेल्थ केयर साइंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज, दे आर फॉलोइंग दैट ओनली। सो देयर इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंशियंट साइंस विथ मॉडर्न साइंस वर्किंग टुगेदर एंड इट इज ब्रिंगिंग गुड होप्स फॉर द कोरोना डिजीज पेशेंट्स। आयुर्वेदा में जिस तरह से अभी जिस तरह पेशेंट्स आते हैं इस टाइम में, किस तरह के पेशेंट्स की तादाद ज्यादा बढ़ी है आयुर्वेदा में आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के लिए? सबसे ज्यादा तो कोरोना की वजह से इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ज्यादातर पेशेंट्स का फ्लो बढ़ा, क्योंकि कोरोना जो है वो एकदम से नहीं फैला हुआ है, धीरे धीरे फैला। लोगों को समय दिया है कि वो इस बीमारी से फाइट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी ठीक से बढ़ा सके। तो शुरुआत में बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास जो आए वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसमें इंडिया का जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। इंडिया में अगर देखा जाए तो आयुष मंत्रालय के अंडर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर्स है
उन्होंने सबसे पहले उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया और कोरोना से वाकिफ करवाया। उसके बाद में उन्होंने सॉल्यूशंस बताए कि किस स्टेज पे या इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लोगों को क्या एडवाइस किया जाए। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही फायदे की रही, और इससे आप देख ही सकते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस का नंबर अभी परसों ही इंडिया इज रिच नंबर 2। सो इफ यू कंपेयर विद ब्राजील द नंबर आर ऑलमोस्ट सेम, बट द डेथ रेशियो इन इंडिया इज वेरी लेस देन ब्राजील। तो इससे समझ में आता है हमें कि इंडिया इज वेरी मच गियर्ड अप। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि हाँ एक मिनट, हाँ एक चीज और जाननी थी मुझे कि जो क्वेश्चन भी था कि चूंकि इंडिया जो है बड़ा इन्वायरमेंटल है, कंट्री है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर भी है इंडिया में देखा जाए तो, लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ सालों में लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, खासकर शहरों में, और ये शहरी चीज़ अब शायद अब गांव देहातों में भी फैल गई है, और बहुत नई नई चीज़ें सुनने मिलती है, एन्जाइटीज, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम पिछले जनरेशन ने अपनी बड़ी एज में सुना भी नहीं होगा, तो ये हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़े सर? हेल्थ इश्यूज इसलिए बड़े हैं जनरल जी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी हाई नाउडेज। पहले सब कुछ आराम से चलता था, अभी हर किसी को डॉट टाइम पे उठना है, डॉट टाइम पे कहीं किसी जगह पे पहुंचना है। और पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ गई है उसमें सारी चीजें इतनी आसान नहीं रही है। ऑल्सो फास्ट फूड्स का जो मार्केट बन गया है, मार्केट वो एक रीजन है जिससे लोगों का समय बचता तो है खाना खाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब फूड्स जो है बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही है, जिससे अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे बताया जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के केसेस अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री थ्रू आउट द ग्लोब, ऑलमोस्ट 70 to 75% डिसीजेस आर कमिंग अंडर दिस। द एंटायर बजट ऑफ द हेल्थ केयर इज स्पेंडिंग ऑन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नाउडेज। और बाकी बचे हुए जो बीमारियां है वो मार्केट का लगभग 25% रेशियो है, 25% वर्सेस 75%। जी सर, तो एक चीज जो बताए कि हाँ जी 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 बोलिए सर। हाँ सर हम लोगों जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, हम जो लोग हैं सर, मतलब जो आम इंडियंस है या आम लोग हैं, वो खाने पीने में या हमारी लाइफस्टाइल में वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ने का और हेल्थ खराब होने का रीजन बनता है? जी ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे अहम सवाल है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए। बचपन में हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि खाना कम से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। अगर वही सिस्टम हर कोई फॉलो करेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ाती है, तो उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। एक तो आपको जो खाना खाना है उसका राइट चॉइस करना है, और दूसरा जो खाना खाने का तरीका है वो ठीक से अंडरस्टैंड करना। जी तो इससे बहुत फायदा होगा। और आयुर्वेद में मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कि आयुर्वेद में खाना कैसे खाया जाए, कब खाया जाए, किस तरह का ग्रोसरी चुना जाए, इस सब का ज्ञान लिखा हुआ है। आयुर्वेद के दो पार्ट्स है, एक स्वस्थ वृद्ध विज्ञान है और एक रोग विज्ञान है। जो स्वस्थ वृद्ध विज्ञान जो है वो लाइफस्टाइल सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और रोग विज्ञान जो है इट इज रिलेटेड टू द
डिसीजेस, जो बीमारियां होती है उसका इलाज करने के लिए, जो आयुर्वेद का दो ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, एक तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अतुरस्य विकार प्रशणम, मीन्स हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना है और बीमारियों को दूर करना है। ये आयुर्वेद साइंस का होलिस्टिक अप्रोच है। जी अच्छा सर ये बताएं कि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूड मैं भी अगर बात करें तो कि जैसा हम किसी दवा खाने में जाते हैं और डॉक्टर से बात करते तो एक माइंड सेट रेडी रहता है कि भाई सामने वाला टैबलेट दे देगा इंजेक्शन दे देगा, लेकिन जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास अगर एक पेशेंट जाए तो उसके जहन में कुछ नहीं रहता कि मुझे क्या मिलेगा या जी मेरा ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो कैसा मतलब ये जो मानसिकता है काम पेशेंट की कि कैसा ट्रीट होता है किस किस तरह से होता है किस किस टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं आयुर्वेदा में जो डील किया जाता है तो वो कैसा होता है सर। जी जैसे मैंने कहा था कि आयुर्वेद का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच में क्या आता है, आपका बॉडी आता है, आपका सोल आता है और आपका मन आता है। तो आयुर्वेदा और योगा ये दुनिया का सबसे एंशियंट हेरिटेज बोल सकते हैं हमसे, जो ज्ञान है स्वस्थ वृद्धि के लिए, अगर इनके सारे नियम फॉलो किए जाए और हम हमेशा और इसका प्रचार किया जाए हमेशा, तो ये बहुत जी अच्छा रहेगा। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेडिसिन्स और खाना, इसमें फर्क होता है। खाने से कोई ज्यादा बीमार नहीं होता है, लेकिन मेडिसिन्स अगर गलत तरीके से लिया जाए तो उससे साइड इफेक्ट मिल सकता है। तो बहुत सारा नॉलेज मीडिया में शेयर किया जाता है, जिसे हम गूगल नॉलेज कहते हैं, या आजकल कोई भी सोशल मीडिया पकड़ लीजिए, एक का नाम मेरे से आज पैदा नहीं है, तो किसी भी मीडिया पे बहुत सारा नॉलेज बिखरा हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर ही जानता है कि उसमें जी से कौन सा ज्ञान आपके काम का है। जी तो लोगों जी को खाली स्वस्थ व्रत रिलेटेड जो चीजें हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जी जी और मेडिसिन्स का खुद होके आगे आके जो यूज है वो नहीं करना चाहिए। मेडिसिन्स अगर आपको लेनी है तो डॉक्टर के पास ही जाइए, इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आपकी बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी। जी आज जी हमारे साथ आज एक और सीनियर डॉक्टर ज्वाइन हुए हैं डॉक्टर नईम करनालकर साहब जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर है और ओमान से हैं और होम्योपैथ में काफ़ी बड़ा नाम है इनका। तो डॉक्टर साहब हमारे शो में आपका भी स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ नमस्कार। गेस्ट इन योर शो एंड ऑल्सो आई एम ग्लैड टू सी डॉक्टर अशोक राठौड़ हु इज वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियंस इन मस्कत ओमान, जिनको मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ और आयुर्वेदा में इन्होंने काफ़ी मस्कत में इनका नाम है और पेशेंट बहुत इनसे खुश है और जी इनके हाथ में थेरेपी में एक चमत्कार है। जी जी वो तो खैर मैंने डॉक्टर साहब जब मैं गूगल सर्च किया तो इनके काम का जो चर्चा और जो परफेक्शन है वो तो मुझे पढ़ने भी मिली है काफ़ी। मेरा एक क्वेश्चन सर डॉक्टर साहब से डॉक्टर राठौड़ साहब से है कि जी डॉक्टर साहब आपकी मैंने जो चीज़ें पढ़ी है कुछ चीज़ों में मास्टरी है एक्यूट डिजीज मैनेजमेंट है लाइफस्टाइल है ये चीज़ें हैं जिसमें आपने मास्टरी की है जी तो उस स्पेशलिटी के बारे में हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा कुछ बताएं तो क्या होता है जी कैसा होता जी मेरा सबसे अधिक जो इंटरेस्ट है वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मतलब आपका जो आयु है उसको स्टेबिलाइज करना। अगर आपके आयु को स्टेबलाइज करना है तो मुझे आपके हर एक बॉडी फंक्शन को स्टेबलाइज करना है, हर एक ऑर्गन की परफॉर्मेंस लेवल को स्टेबलाइज करना है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि शीर्यते तत् शरीरम, मीन्स जो अपना शरीर है वो हमेशा उसका जीज होता है, मीन्स द सेल डिजेनरेशन इज कंटिन्यूअस एंड देर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज सेल रीजेनरेशन।
तो मुझे सेल रीजनरेशन को बढ़ावा देना है और डीजनरेशन को डिले करना है, क्योंकि एक दिन सबको तो एजेड होके इस दुनिया से परलोक में जाना ही है, लेकिन जो यहाँ का समय है वो अधिक हेल्दी रहेगा तो लाइफ जीने का मजा कुछ और ही है। तो आयुर्वेद इसमें ये ज्ञान देता है कि जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन जिसे ज्ञानेन्द्रिय कहा जाता है, सबसे पहले उनकी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए। अगर आपकी आयु 60 साल की है और आप कोई चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर आपकी आयु 80 साल की है और आप कोई हियरिंग एड नहीं लगा रहे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं लोगों से शेयर करता हूँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस बेसिक थिंग्स अलॉन्ग विथ देयर डेली रूटीन लाइफ अलॉन्ग विथ देयर सीजनल लाइफ। सीजनल वी कॉल इट एज ऋतुचर्या। तो अच्छा इस दौरान बहुत सारा ज्ञान मैं लोगों को देता हूँ और उनका लाइफस्टाइल मैनेज करता हूँ। तो इससे ना कि उनका हेल्थ अच्छा रहता है और जो बीमारियां उनमें पैदा हो सकती थी उसके चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये अच्छा दुनिया के लिए आयुर्वेद की सबसे बड़ी देन है। जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नईम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आप कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं अभी। डॉक्टर अशोक राठौड़ काफी आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस्ड है और मुझे उम्मीद है ये इनके टॉक से काफी लोगों को बहुत डायरेक्शन मिलेगा आयुर्वेदा के बारे में। मैं डॉक्टर अशोक साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आजकल जो ये पिछले 6 महीने से कोरोना का जो चल रहा है COVID-19, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष ने काफी आयुर्वेदा होम्योपैथी सिद्धा यूनानी योगा इसको प्रमोट किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब जी आपके क्या एक्सपीरियंस है COVID-19 के बारे में, और हम COVID-19 को ये, मतलब मैं इस बहुत सवाल की जवाब काफी बड़ा हो सकता है लेकिन शॉर्ट में आप जरा बताएंगे ताकि सुनने वालों को भी पता चले कि आयुर्वेदा क्या कर सकता है COVID-19 के अंदर और किस तरह से जी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। कुछ देर पहले जुनेद जी ने भी इसी के बारे में पूछा था। तो मैं सबसे पहले आयुष मंत्रालय का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आयुर्वेद को और होम्योपैथी को योगा को यूनानी को इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि कोई भी साइंस जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना दुनिया में सबके सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो सबसे अहम रोल जो है वो आयुष मंत्रालय ने निभाया है और उनके प्रोत्साहन से सभी आयुर्वेदीय डॉक्टर सभी होम्योपैथी डॉक्टर ने ये कोरोना का सबसे बड़ा चैलेंज लिया। और स्टैटिस्टिक्स अभी बाहर आएगा ही कुछ मंथ्स में या कुछ जब तक ये कोरोना का सीजन कम नहीं होगा तब तक बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स बाहर आएगा और इससे बहुत अच्छा सा कमल खिलेगा बोल सकते हैं। तो अभी तो जो है हर कोई कोशिश कर रहा है कि कौन सा थेरेपी अच्छा रहेगा, कौन सा अप्रोच अच्छा रहेगा, कोरोना को रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आपको कोरोना से बचना है तो सबसे पहले मैं लोगों को वही एडवाइस करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क पहनिए और हैंड हाइजीन ठीक से रखिए। तो इससे क्या होगा कि कोरोना बढ़ेगा नहीं। अगर कोरोना बढ़ ही गया तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू अप्रोच द डॉक्टर्स। तो इंडिविजुअल डॉक्टर विल टेक द केस एंड उनके सिम्टम्स के आयुष मंत्रालय ने कैटेगरीज बनाई है कि कौन सी केस को ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट दी जाए, कौन सी केस को हॉस्पिटल लेवल पे ट्रीटमेंट दी जाए। तो उसके हिसाब से डॉक्टर्स सभी को गाइड करते हैं। अभी कोरोना नहीं होने के लिए दूसरा अप्रोच क्या है आपका, इम्यूनिटी अच्छा स्ट्रांग करना। इम्यूनिटी में क्या है, आपको आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखना है, आपका वजन कंट्रोल में रखना है,
Obesity is another reason of comorbidity in corona season. अभी जो डेटा हमने देखा है चाइना में, डॉक्टर साहब एक थोड़ा कट शॉर्ट करने के लिए एक क्विक सवाल पूछ रहा हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को जो इससे फायदा मिल सके, एक क्विकली ये बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बहुत सारे काढ़े मार्केट में, बहुत आज एक नॉर्मल पेशेंट को चाहिए मैं ये ले लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस आने के लिए कुछ बताए आपके एक्सपीरियंस से क्या लेना चाहिए ताकि लोग वो लेकर उससे अच्छा महसूस कर सके। जी गुड क्वेश्चन। मैं ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। जो बहुत ही इजी रेसिपी की तरह काढ़ा बनाया जाता है, आयुष मंत्रालय ने जो डिक्लेयर किया है, अगर वो काढ़ा लिया जाए तो किसी को कोई भी साइड इफेक्ट्स मिलेंगे नहीं। अगर आप इंडिविजुअली कुछ भी सोचेंगे कि मैं ये छोड़ के दूसरा काढ़ा लूँ तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाकी जो है सब मेडिसिन कैटेगरी में आते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही ठीक से रिकमेंड कर पाएगा। तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो जनरल अप्रोच है वो आयुष मंत्रालय ने डिक्लेयर कर ही दिया है। सर दो व्यूअर्स को भी फॉलो करना है। मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब के जो भी हमको देख रहे हैं जितने भी व्यूअर्स, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर आदमी ने जो भी देख रहा है 19 लोगों को इसको फॉरवर्ड करे और फिर उसने 19 लोगों को फॉरवर्ड करे कंसीडरिंग कोविड-19। तो इससे आयुर्वेदा के बारे में लोगों को पता चलेगा और इसका फायदा मिल सकेगा। तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक टीम वर्क हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो, जो भी साइंस है, सब मिलकर हमको कोविड-19 को ट्रीट करना है। आई एम वेरी थैंकफुल डॉक्टर साहब आपने क्विकली जो बताया है आपकी मिराकल आयुर्वेदिक रेमेडी। अच्छा मेरा एक दूसरा और एक सवाल ये है, कोरोना के अलावा हटकर दूसरा एक मेडिकल प्रॉब्लम के ऊपर चूंकि ये मौका मिला है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल काफी कॉमन हो रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स जैसे जुनेद भाई कंप्यूटर पे रहते हैं हमेशा, जुनेद भाई के जैसे लोगों को गर्दन में तकलीफ, नेक में तकलीफ, हम तो मेडिसिन के जरिए ट्रीट करते हैं, होम्योपैथी में एक्सेलेंट क्योर है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको साथ में दूसरे और कोई थेरापी से कंबाइन किया जा सकता है जैसा आयुर्वेदा आपके पास है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में डॉक्टर साहब आप शॉर्टली बताइए क्या आप किस तरह से इस टाइप के मरीजों को ट्रीट करते हैं और इसका क्योर रेट कितना है और बेनिफिट कितना मिलेगा आयुर्वेदा से अगर हम मेडिसिन के साथ आयुर्वेदा को कंपेयर। सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब भी काफी लंबा हो सकता है लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसे कट शॉर्ट करता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है अभी यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, पहले इसे कहा जाता था कि ये एजेड लोगों का बीमारी है क्योंकि उसमें आपके बॉडी में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ जाते हैं, तो आपका जो स्पाइन है वो आपको ठीक से होल्ड नहीं कर पाता, तो आपकी पोजीशन जो नॉर्मल रहनी चाहिए, इरेक्ट पोजीशन जो रहनी चाहिए, वो होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैसिडिटी इन टू द मसल्स। तो कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम उसे आयुर्वेद की धरती पर उसकी परीक्षा कर रहे हैं, जो दशविध परीक्षा बताई जाती है आयुर्वेद में, जिसको सप्त धातु और त्रिदोष का हम पूरा इवैल्यूएशन करते हैं। रुग्ण के बॉडी टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होता है। एक काफी इंटरेस्टिंग केस आई थी मेरे पास 2 महीने पहले, जो एक शख्स थे यहाँ पे जो मिलिट्री से रिटायर हो गए थे और लगभग 20 साल से भी ज्यादा साल से उनको परेशानी थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उनके 2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए थे और उसमें परेशान हो गए थे, उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, ही वॉज नॉट एबल टू लुक स्ट्रेट। तो इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से मैंने इवेल्यूएशन किया, उसके MRI के रिपोर्ट्स चेक किए और कौन से स्पाइन में कौन से नर्व के साथ प्रॉब्लम है वो
ठीक से जाना, और मैंने देखा कि ये पेशेंट सर्जरी किए बिना ठीक हो सकता है, क्योंकि कुछ हद होती है कि उसके बाद में अगर आपका डिफॉर्मिटी हो चुका है तो वो सर्जरी से ही करेक्ट हो सकता है। तो हम सबसे पहले पेशेंट सर्जरी के लायक है या नहीं वो इवेल्युएट करते हैं। अगर सर्जरी करने का जरूरत नहीं है तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पुश करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, फिर पोस्चरल ट्रीटमेंट है, पेशेंट को ठीक से बताया जाता है कि कैसे बैठने का, कैसे एक्सरसाइज करने का। ये हो गया एक्टिव। अभी पैसिव पार्ट जो है वो हम लोग संभालते हैं, जिसमें मर्म चिकित्सा कहा जाता है। में कुछ प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं जो आयुर्वेद में कहे गए हैं, उनका स्पेशल हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर एक नस्य थेरेपी बताया जाता है, जिसे नॉस्ट्रिल से मेडिसिन डाला जाता है। और लोकल ट्रीटमेंट एक है जिसे मन्या बस्ती कहा जाता है, जहाँ पे हर्बल ऑयल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है लोकली, वहां का जो चैनल है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो इस शख्स का मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूस ट्रीटमेंट किया। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मुझे इस शख्स को देना चाहिए और उसके पेशेंट्स को देना चाहिए कि वो 2 महीने तक लगातार बिना अब्सेंट रहे, हमेशा आता रहा और खुद वो ठीक होके चला गया। तो ऐसे बहुत सर, सारे ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है। सर दो व्यूवर्स हैं, एक तो इमरान असलम साहब है जो जी आपको अप्रिशिएट कर रहे, कह रहे कि डॉक्टर अशोक एक्सलेंट फीलिंग, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच और दूसरा है एल्बन एम डिसूजा, उनका जी। क्वेश्चन है कि देर आर सो मेनी हेल्थ होम रेमेडी एक्सपर्ट एंड देयर चैनल्स ऑनलाइन, सम ऑफ देम जी आर आयुर्वेदिक डॉक्टर टू, दे क्लेम होम रेमेडीज फॉर लॉट्स ऑफ डिजीज, हाउ कैन वी कैन मेक श्योर दे आर अ रियल एंड नॉट फेक जस्ट टू गेट मोर लाइक्स। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू अर्बन जी। ये सवाल जो है लोगों के मन में हमेशा था, हमेशा रहेगा, क्योंकि मीडिया में जो है एक डॉक्टर एक बीमारी के बारे में बताता है, तो वो जो नॉलेज है वो अवेयरनेस के लिए होता है। अगर उसे अवेयरनेस की तरह ट्रीट किया जाए तो कोई भी पेशेंट उस बीमारी से सफर कर रहा है तो उसे पता रहता है कि हाँ भाई कि इस बीमारी में ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इस बीमारी में ये सिम्टम्स का मैं ठीक से ख्याल रख सकता हूँ, मुझे ये चीजें अवॉइड करनी है। ये प्रिवेंटिव चीजें जो है वो सीखे। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि प्रिवेंटिव चीजें सीखे। ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, कोई भी मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके पीछे ना भागे, आपके डॉक्टर से सलाह लें कि वो मेडिसिन आपके डिसीज के लिए काम की है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि ऑल शूज नॉट इक्वल, तो हर किसी को अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट का बीमारी का लेवल जो है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। वो पेशेंट को समझ में नहीं आएगी कि मुझे कितनी बीमारी है। अगर समझिए कि किसी को डायबिटीज है, किसी को लगता है कि खाली 10% भी बढ़ गया तो अलग चीज सोचता है। अगर वो मोर देन डबल हो गए आपकी शुगर लेवल तो वो सोचता है कि मुझे डायबिटीज ही है, मतलब छोटा भी डायबिटीज है और बड़ा भी डायबिटीज है। लेकिन मेडिसिन के अप्रोच अलग होते हैं हर किसी में। तो बस मुझे ये कहना है कि आप डॉक्टर के पास जाके आपके होम जो फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन है, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए ज्यादा। अभी मीडिया में तो सब हर कोई आएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएगा, लेकिन आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। डॉक्टर साहब, आप दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आज हमारे स्टूडियो में जुड़े, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि एक लिमिट टाइम था हमारा, जी और मुझे लगता है कि सिलसिला शायद आगे भी और हम जारी रखेंगे जल्द, और फिर से कोई और जी मुद्दे पे फिर से हम और ब्रीफ बात करना चाहेंगे। और जी मैं आप दोनों के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि हमें बहुत नाज है आप लोगों पे, प्राउड है आप पे कि आपने बाहरी कंट्री में जाकर बहुत बड़ा नाम किया है, देश का नाम किया है। आप वहाँ रहकर वहाँ के लोगों की खिदमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप जी की बहुत इज्जत है और आप यहाँ पे भी लोगों के हेल्प कर रहे हैं, तो हाँ, वी जी आर रियली प्राउड ऑफ यू।
डॉक्टर साहब, दईद साहब, आप आए और समय दिया, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। आप सीनियर डॉक्टर है, काफ़ी हेल्पिंग है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद जुनैद जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भारत की शान है, तो इस शान को हमें पूरी दुनिया में बड़े फख्र से फैलाने के लिए बहुत ही अभिमान लगता है जी जी। ठीक है थैंक यू सर। सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से सवाल किए और मुझे अपेक्षा है कि आपके सवालों का मैंने सही तरीके से जवाब दिया होगा, तो लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जुनैद जी का चैनल फॉलो कीजिएगा। जुनैद जी जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जाने माने पत्रकार है और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, मैंने इनको काफी करीब से देखा है और मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस मुझे इससे ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है कि आप सीनियर डॉक्टर मेरे शो में हैं, और एक सुवर्णा खुशीद करके है, वो भी आपे आपको प्राउड ऑफ यू कह रही है डॉक्टर। थैंक यू सो मच जी। तो ये थे हमारे डॉक्टर अशोक श्याम राठौड़ जी, जिन्होंने इतना डिटेल में हमें सब समझाया बताया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बीमार होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, हौसला खोने लगते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक डॉक्टर राठौड़ जैसे स्पेशलिस्ट हमारे मुल्क में है या हमारे मुल्क से बाहर गए और अवेलेबल है, तो हमें निश्चिंत होना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट है सही हाथों में। लेकिन मैं अब भी कहूँगा कि बेशक अच्छे डॉक्टर हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, दुनिया भर में हैं, लेकिन हम जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब हम अपनी ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये ना सोचें कि मुझे आज सबसे ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत है, अगर मैं मजबूत हूँ तो मेरा घर मजबूत है, मेरा समाज मजबूत है, ये उत्तेजना, ये ताकत और ये हौसला ये हमें बनाए रखना है, कोशिश करना है कि हमारी सुबह और हमारी शाम हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे माहौल के साथ हो, ना कि हॉस्पिटल की एक चार दीवारी में। उसी हौसले के साथ हमें जीना है, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राठौड़ से बात करके और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया हमें, हम उनको बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, उनका थैंक यू कहते हैं उनको कि उन्होंने इतना सारा वक्त दिया और हमारे शो में वो आए। तो ये था हमारा आज का दूसरा एपिसोड जो हमने हेल्थ रिलेटेड बात करने की कोशिश की है। इस एपिसोड में भी आप अपने राय दीजिए, कमेंट्स करिए, हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आपकी राय को, आपके सजेशंस को डेफिनेटली हम हमारे शो में शामिल करेंगे, उसको और अच्छा इम्प्रूव करेंगे, और कुछ अगर कमी खामी अगर रह गई हो तो फिर से मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मेरा अगला एपिसोड और बेहतर हो जाए। तो आज का ये एपिसोड इधर यहीं ख़त्म होता है। देखिए, मेरा पहला एपिसोड में जब अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, इसके लिए मैं सभी लोगों को दिल से थैंक्स कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, और ये एपिसोड पर भी मुझे यकीन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में ऐसी कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।